बैक टू माई चैनल। लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो घर पर ही हम बैठे हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, ईशान की भी और गर्ल्स की भी, दोनों की ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। मैंने अपने स्कूल में विंटर ब्रेक कर दिया है और जो बच्चे अभी 15 to 18 ईयर्स के हैं वो प्लीज जाएं और जाके अपना कोवैक्सीन लगवा लें। बिकॉज बेटा अब आपको आगे बोर्ड्स भी देनी है तो गवर्नमेंट आपके लिए ही ये प्लान कर रही है। तो गाइज आज ना मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ दो वजह से। पहली वजह तो है ये बर्ड्स, इन्होंने इतना तंग कर रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा ग्रीन वाला बर्ड है ये व्हाइट वाले के पीछे हाथ धो के पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट वाला आराम से बैठा है, ये ब्लू वाला आराम से बैठा है, मगर ये ग्रीन वाला धीरे धीरे व्हाइट वाले के पास आ रहे हैं और उसको परेशान कर रहे हैं और उसको मार रहे हैं, बुरी तरीके से फाइट कर रहा है। ये देखो आप, ये ग्रीन वाला कैसे पीछे पड़ा है व्हाइट वाले के, पूरा खूनम खून हो चुका है इस लड़ाई में, फिर भी वो व्हाइट वाले का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये देखो खुश नो। तो गाइस देखो आपने किस तरह से ये तंग कर रहा है। और अभी हमने जिनसे ये बर्ड्स लिए हैं मैंने उनको कॉल किया और उनसे बात बात की है और उन्होंने बोला कि इसको सेपरेट केज में रख दो व्हाइट वाले को। तो अब मैंने ना अपनी फ्रेंड के पास, मेरी फ्रेंड के पास एक केज एक्स्ट्रा, तो मैंने भी गर्व को वहीं भेजा है कि लेकर आओ। सो गाइज अब गर्व ये केज लेकर आया मेरी फ्रेंड से और ये पकड़ने वाला भी, सो अब ये कोशिश करेगा निकालने की। फिर मैंने बर्ड को पकड़ा और उसको छोटे वाले केज में डाल दिया बिकॉज वो बिल्कुल सॉफ्ट सा था, छोटा सा था और बच्चों के हाथ कड़क होते हैं और इसको प्यार से करना था। तो गाइस आफ्टर ऑल मैंने पकड़ ही लिया और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे व्हाइट वाला, इसको हमने इसके नए घर में रख दिया और ये दोनों यहाँ बैठे हैं शैतान। अब गर्व इसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ना चोट भी लग रही है। आप देखो ये खून आ रहा है, फिर भी ना इतनी बदमाशी। आप देखो ये व्हाइट वाला भी खाना खाने में लगा हुआ है, बेचारा मेरा बच्चा सुबह से खा नहीं पाया था, कब से खाई जा रहा है। भूख लगी थी, सुनो भूख लगी थी बेबी को। ये देखो इसको हो रहा है कि ये ऊपर है, तो देख देखो कैसे कर रहा है, अभी भी इसको चैन नहीं आ रहा, उसको पता है कि वो ऊपर है। ये देखो दोनों साइड से उस तक पहुंचने की कोशिश। अब रात हो गई है और हम इन्हें अंदर ले आए हैं। अब ये देखो ब्लू वाला ग्रीन वाले को प्यार कर रहा है इसकी चोट पर। गाइज अब नेक्स्ट डे हो चुका है और कल मैं ज्यादा व्लॉग कर नहीं पाई बिकॉज बर्ड्स को हमने अलग करने के बाद फिर हमने खाना वगैरह बनाया, नीचे गेम भी खेलना होता, वहां चली गई थी और बस फिर आके खाना खाए और सो गए। सुबह से मैं सोच रही थी व्लॉग करूं और करूं बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज गर्व की ऑनलाइन क्लासेस होती है और वो यही हॉल में ही लगाता है, तो हॉल बस मतलब पूरे घर में हमें शांति रखनी होती है, हम ना कुछ ज्यादा बोल सकते हैं ना ज्यादा चल फिर सकते हैं। और फिर आज मैं पूरा बर्ड्स के पास ही ज्यादातर रही क्योंकि जो मेरा हनी है ना वो आज बहुत ज्यादा ही अकेले महसूस कर रहा था सुबह से, तो मैं उसके पास रही। तो ईशी कला बाजी दिखा दो। ओले बोले पूरा उल्टा हो गए, पूरा उल्टा हो गए हैं, पूरा उल्टा हो गए थे। और दिखा दो थोड़ी और कला बाजी दिखा दो। ईशी ये जींस हटाना, सर्कस में आयो। हाँ बिटू खुश हो ले हो, कुछ हो ले। ओहो अरे वाह ओहो देखो कला बाजी पूरा उल्टा हो गया मेरा मिट्टू, पूरा उल्टा हो गया मेरा। हाँ मेरा बिट्टू, हाँ पूरा उल्टा हो गया मेरा बिट्टू। ओह अरे बबरे इतनी कला बाजी दिखाओगे, सुबह पहली बात करूँ मैं मिट्टू से, सुबह पहली करूँ। हाँ क्या हो गया मेरा मिट्टू,
वो मारते में मुझको। बोलो कैसे है मेरा बाबू? चोट लगी थी कल? चोट लगी थी? कैसे है बाबू? दिखाओ इधर, दिखाओ मम्मा को, दिखाओ मम्मा को, दिखाओ मुंह दिखाओ। ठीक लग रहा है। हाँ बोलो क्या हो गया मेरा बेटा? कल मम्मा ने डांटा था बेटे को, कल डांटा था मम्मा ने। और अभी लंच में आज बना है मटर पनीर की सब्जी और मेथी के परांठे। बस अभी गाइस मैं लंच करूंगी, ईशान ने कर लिया क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास है, और गर्व भी अभी लंच कर रहा है, फिर गर्व उसके बाद जाएगा कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। और आज मेरे फादर इन लॉ की बरसी भी है, तो हम हर साल कुछ ना कुछ उनकी बरसी पर बांट कर आते हैं, तो अभी गर्व वही सब सामान लेने गया क्योंकि हमने कल ऑर्डर कर दिया था। शाम के हो रहे हैं 5:15 और अब हम जा रहे हैं वो सामान डिस्ट्रीब्यूट करने। गर्व ले आया है और हमने बनवाए हैं बर्गर अब की बार सभी बच्चों के लिए, या बड़े जो भी आए उनको सबको हम देंगे। तो बस चलिए चलते हैं, गर्व रेडी है। गर्व से हेलो। और ईश्वर भी शूज पहन रहा है, वो भी रेडी हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बाहर जा चुके हैं और अब बस मैं भी निकलती हूँ। जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और फिर घर आने के बाद मैंने ये काली जार था मेरे पास, इसको मैंने जूट की हेल्प से डेकोरेट किया और एक अपना न्यू हैंगिंग प्लांटर बनाया। मेरा प्लांटर बनके रेडी हो गया और कितना ही प्यारा लग रहा है। सो बस अब मैं इसमें लगाती हूँ प्लांट। सो गाइस मैं इतने बड़ी टहनी अपने मनी प्लांट की तोड़ के ले आई हूँ और अब करती हूँ इसको प्लांट, और आई होप सो कि ये अच्छी ग्रोथ ले ले, नहीं तो मेरा दिल बहुत दुखेगा। मैं बहुत बड़ी टहनी तोड़ लाई हूँ। सो गाइज अब गर्व मेरे लिए प्लांट लगा रहे हैं। इधर इधर बीच में गैप है जो, और इधर कर रहा हूँ बस। हाँ सो फाइनली मेरा प्लांटर लग गया। कुछ ऐसा है मेरा नया वाला प्लांटर, ये वाले इसमें मैंने डिजाइन्स बनाए हैं, और मैंने एक ये वाला भी ट्राई किया है। ये वाला मेरा पूरा पॉकेट है, एक की डोरी से मैंने पूरा बनाया ये। और सबसे पहले मैंने ये ट्राई किया था और फिर मैंने ये पॉकेट वाला बनाया और अब ये। सो आप प्लीज बताना कैसा लग रहा है। और गाइज मैं ना आज पूरा पूजा घर क्लीन कर रही हूँ। वैसे ईशान ने मेरी काफी मदद की है और आज उसने पूरा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरा क्लीन कर दिया, और मैं नीचे के पूरे ना ड्रॉर्स लगा रही हूँ। लड्डू गोपाल के गर्मियों के ठंड के सारे कपड़े, उनकी ज्वेलरी सब अलग कर रही हूँ। सो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मेरा प्लांटर आपको कैसा लगा। और अब के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।